हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रवि और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आइवोजेसिक प्लस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, इस तरह की टिप्स और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों, आयुर्वेजिक प्लस टैबलेट के ऊपर है। ये सिप्ला कंपनी का है। इसका कंपोजिशन देख सकते हैं, आरएक्स करके लिखा हुआ है, आइब्रोफेन एंड पैरासिल टाइमोल। इसमें देखिए कंपोजिशन है उसका, इसमें मिला हुआ है आइब्रोफेन आपका 400 mg है, पैरासिल टाइमोल 325 mg है। दोनों को मिला करके इस दवा को बनाया गया है। इसका MRP की तरफ चलते हैं। इसका MRP 15.50 रुपये है। 15 टैबलेट का पत्ता ही आता है, बहुत ही सस्ता है। और इसका एक्सपायरी भी काफ़ी लंबे समय तक है, अगस्त 2020 में ख़त्म होगा। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, लिखा हुआ है सितंबर 17, एक्सपायरी डेट आपका अगस्त 2020। इसमें ऑल टैक्स जोड़ करके 15.50 रुपये इसका MRP है। आप किसी भी दुकान से, रिटेलर दुकान से, होलसेल दुकान से, आपको किसी भी मेडिसिन हॉल पे आप ये आपको मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। चलिए इसका प्रयोग के बारे में जानते हैं। ये जो है दोस्तों आपका, ये जो है बुखार, दांतों का दर्द, सिर दर्द, सर्दी, कान दर्द, शरीर में दर्द, पीठ दर्द, जोरों का दर्द, इन सारी समस्याओं में ये काम करता है, फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, सिप्ला कंपनी का है दोस्तों ये। इसमें देख सकते हैं सिप्ला कंपनी लिखा भी हुआ है। दोस्तों, बहुत ही पुराना कंपनी है और बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। इसके साइड इफेक्ट कुछ इस तरह है, जैसे खुजली या पेट में दर्द होना, त्वचा के ऊपर लाल रंग का चकत्ता हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट होने से हो सकता है। आपको यदि इस तरह की समस्या आपको हो गई है दवा खाने से, ये तो आप इसे ना खाएं। यदि आप पहले से कोई बीमारी के शिकार हैं, या गर्भावस्था है, या कोई सर्जरी हुई है आपकी, तो इसे लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप कोई भी विटामिन ले रहे हैं या हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हर रोज रोज शराब पीते हैं, तो इस दवा का प्रयोग न करें। अब दोस्तों, हम जानेंगे इसको खाएं कैसे। दोस्तों, यदि आप इसको खाते हैं तो नाश्ते के समय लें या फिर खाना खाने के बाद लें, क्योंकि खाली पेट में यदि आप लेते हैं तो पेट खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पेट खराब को रोकने के लिए इसे नाश्ते के साथ लें या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप अपनी डॉक्टर की सलाह से इस दवा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक सब्सक्राइब एक लाइक दोस्तों आपका चाहिए। एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।